1,000 करोड़ और हम सालाना 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, उस एतबार से मैं और आप अपने सामने रख के देखें कि जो 14,000 करोड़ रुपए सालाना मदरसों में खर्च कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें कितना मिल रहा है, उसका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर अगर मकतबों का बजट लगाएं तो वो अलग है, मदद मस्जिद के साथ जो लग रहे हैं, और मस्जिदों का चंदा अगर लगाएं तो वो फिर अलग होगा। तो सालाना तकरीबन हमारा मुस्लिमों के जेब से जो इन दीनी मामला में पैसा जा रहा है तकरीबन 40,000 करोड़, 30 से 40,000 करोड़ रुपए का बजट होगा जो मसाजिद मदारिस और मकातिब में हम लोग खर्च कर रहे हैं। और उसके बावजूद फिर हालत आज हमारी कौम की ये देखें कि हम लोग खड़े कहां पे हैं। मैं सही साहब किबला से भी अर्ज करता था, आज हमें सख्त जरूरत है कि हर जिले के ऊपर हम लोग एक फाउंडेशन बनाए, जिस तरह से ORF है, जिस तरीके से और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इस तरीके से हम लोग बनाए और पूरे जिले का डेटा कलेक्ट करें कि उनमें कितना चंदा आ रहा है, किस तरीके की तालीम हो रही है और हम कौन को किस लेवल के बच्चे तालीम हासिल करवाने के बाद उनको सौंप रहे हैं। ये चीज हमें जो है खासतौर से सोचने की जरूरत है। तो इस पे अगर हम गौर करेंगे तो फिर हम बच्चों को बेहतर तालीम दे सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी ये चीज है, 98% बच्चे हमारे बच्चे, यानी 2% जब मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं तो 98% बच्चे हमारे बच गए, तो वो कहां तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी दुनियावी तालीम में वो बच्चे 98% है, लेकिन उनका मामला भी यह है कि वो फिर 8वीं 10वीं तक जाते हैं, 8वीं 10वीं जाने के बाद वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फिर कोई पंचर बना रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई फिर रेवड़ियां बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो भी फिर वहां जाते जाते दुनियावी तालीम में हमारा डाटा माइनस आ जाता है। यानी सरकारी जॉब कि आपका शेखावाटी का इलाका है जिसको उठा के देखेंगे तो सरकारी जॉब्स में क्या खरीद बिरादरी में से कुछ आपको फौज में या सरकारी जॉब्स में मिलेंगे। उसके अलावा साथ में 98% जो हमारी कौन है उसका मामला भी देखें, दुनियावी तालीम में भी हम कहीं नहीं है, दीनी तालीम में 2% है और उसमें भी कुछ मदारिस है, मुझे माफ करो, कुछ मदारिस है जिनमें तालीम का मायार बेहतर है, वरना बाकी मदारिस के अंदर यह है कि चंदा इकट्ठा करो, जमा करो आप और उसके बाद जिस तरीके से जाओ उस तरीके से चलो। ये मामला है। तो यानी ना दुनियावी तालीम में हम लोग हैं, ना दीनी तालीम में हम हैं, ना खुदा ही मिला, ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के सनम, किसी भी मामले में हम लोग नहीं है। आज हॉस्पिटल के अंदर चले जाए, हमारे जो है माए और बहनें जब डिलीवरी के वक्त जाती हैं तो कोई एक मुस्लिम नर्स तक नहीं है हमारे पास जो उन मुस्लिम औरतों की डिलीवरी करवा सके। हमारे पास ढंग का इंजीनियर तक नहीं है, ढंग का मास्टर नहीं है, पुलिस में कोई हमारा बंदा नहीं है, फौज में थोड़े बहुत इस क्षेत्र में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हम जो 14,000 करोड़ रुपए और सारा मिला के 30-40,000 करोड़ रुपए जो मदारिस में उन सारी चीजों में खर्च कर रहे हैं, उसके साथ साथ जिस तरह से इस सब किबला जिक्र कर रहे थे कि हमारा जो सोच यह है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आज मदरसे के साथ साथ हमें इस चीज की भी जरूरत है कि जहां मदरसा हो उसके साथ हम 12वीं तक 12th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी कायम करें, ताकि अगर बच्चा दुनिया दीनी मामले में बेहतर नहीं है तो दुनिया के मामले में तो कम से कम कहीं आगे जाके कोई अच्छा काम कर सके और हमारा पैसा जो है वो सही जगह पे जो है वो यूज हो सके। तो उसके लिए जिले के ऊपर जो है वो इस तरीके की कमेटियां बनानी पड़ेगी और सारे मामला को हमें बेहतर तरीके से देखना पड़ेगा, वरना जो है वो हालात जिस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है कि फिर कोई भी हिस्सेदारी हमारी नहीं होगी। आज हमें हर चीज के अंदर जरूरत है। और दूसरी चीज जो मैं अर्ज करने वाला था, सही साहब किबला से भी मेरी बात हुई, वो खुद इस चीज का उन्होंने कहा कि आज हमें जरूरत है कि हमारे मदारिस के अंदर जो 30-40-50 साल पुराना जो निसाब चल रहा है उसमें से कुछ निसाब में हमें चेंजिंग करने की जरूरत है। जिस तरीके से हम लोग हदीस पढ़ा रहे हैं सिर्फ बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ, ज्यादा से ज्यादा खामसा में सात साल हम लोग जो है वो मिश्का शरीफ पढ़ा दें, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ा दें, तो जरूरत यह है कि हमें हदीस को पढ़ाने से पहले बच्चों को उसूल हदीस पढ़ाए। उसके जब जो है उसूल पढ़ाएंगे तो बच्चा जब हदीस में जाएगा तो चीजों को बेहतर तरीके से समझेगा। ये बात गालिबन पहले भी मैंने कही एक मरतबा अर्ज की चीज, कुछ हजरात थे जो है जिनको अच्छी नहीं लगी, आप अगर अजहर में पढ़ रहे हैं और अजहर के अंदर आके आप जो ये चीजें हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने यहाँ से नहीं पढ़ा? ये कह रहा हूँ कि कोलमा बैठे हुए आपको भी पता है नूर जमाना के अतबार से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बदल जाती हैं। अजहर का खुद का मामला यह है कि वो हर साल
करता है, जो चीजें जरूरत होती है उसमें ऐड करता है। ये चीजें हमें 5 साल बाद 10 साल बाद जाकर समझ में आएंगी कि हाँ हमें जो है इस चीज पे काम करना चाहिए। तो इन चीजों पे हमें बहुत फिक्र करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो बच्चे अभी जो है सर पे अमामा बांध के बैठे हैं, आप हजरात से भी मुखातिब हूं, अपना टारगेट जो है वो फिक्स करें लाइफ के अंदर, करना क्या आपने। जरूरी नहीं है कि आप अगर मदरसे से आलिम बन गए तो आपने जाकर किसी मस्जिद में इमामत करनी है, नहीं। अगर आपका जहन ये कहता है कि आप जो है वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं तो लाजिम है कि आप उस शोबे में जाएं और इंजीनियरिंग करें, क्योंकि जब आप आलिम बन सकते हैं तो आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। अगर आपका जहन ये कहता है कि मैं डॉक्टर में जा सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ तो आप उसमें जाएं। लाजिम नहीं है कि आप मदरसे में पढ़ रहे हैं तो आप इमामत ही करेंगे। आप मदरसे में पढ़ रहे हैं तो जो है वो तकलीफ करेंगे या फिर मकतब के अंदर बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं। हमें मदरसे के अंदर बच्चों की ये सोच चेंज करने की जरूरत है कि आप आलिम बनने के साथ साथ डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप आलिम बनने के साथ साथ जो है वो पुलिस में भी जा सकते हैं, आप आलिम बनने के साथ एक अच्छे इंजीनियर भी बन सकते हैं। जब आपका टारगेट जब जो है वो गोल आपका आपको पता होगा मुझे ये करना है। माजरत के साथ हमारे तो मैं फारिग हुआ 2015 में फारिग, मुझे खुद को ये नहीं पता था मुझे करना क्या है। मेरी जिंदगी का सिर्फ ये सोच थी कि कोई अच्छी सी मस्जिद मिल जाए जिसमें जाकर मैंने इमामत करनी है, या फिर जो है यानी ये या फिर जो है ये सोच हो गई कि यार चलो कोई बात नहीं, कोई मदरसा मिल जाएगा तो उसमें पढ़ा लूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हालात जो है वो देखे मैंने सोशल मीडिया के जरिए, उन मामलात के जरिए, तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ से उसके 3 साल बाद मैं असर में पढ़ने के लिए गया। तो ये सोच हमें कम से कम, बहुत सारे बच्चे हमारे जो स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता है। कई लड़कों को मैंने पूछा जो 12वीं पढ़ रहे होते हैं, 10वीं पढ़ रहे होते हैं, आपने करना क्या है, बोला सोचा नहीं मैंने, अभी तक मैंने सोचा नहीं। आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, आप तबियत कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता मैंने लाइफ में करना क्या है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, तो फिर हम बच्चों को दे क्या रहे हैं, यानी 12वीं में उसको अभी तक अपना मकसद ही पता नहीं है मैंने करना क्या है। तो जब बच्चा 2वीं 3वीं 4वीं 5वीं में आ जाए, आप गैरों के बच्चों से देखें, एक किसी इंटरव्यू के अंदर सुन रहा था, एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का, वो कोई जो अच्छा स्कॉलर है उससे सवाल कर रहा है, तो सवाल किया उसने, बोला हाँ सर। तो उसने पूछा सर मेरे बाप ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, मेरे बाप ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, मेरा सवाल ये 6 या 7 साल का बच्चा है वो ये कह रहा है कि सर मुझे आप ये बताएं कि मैं 2 लाख को बिजनेस में लगा के 4 महीने के बाद जो है वो 4 लाख कैसे कर सकता। वो जो स्कॉलर था वो हंसने लग गया, बोला 6 साल की उम्र है तुम्हारी इतनी सोच, तो कहने लगा सर मैं बनिया हूं, मेरा बाप जो है वो बनिया है, तो हमारी सोच यही है, हमें यही सिखाया गया है कि आपने बिजनेस किस तरीके से करना है। लेकिन हमारी कौन को पता ही नहीं होता, हमारा ये मोटिव रहता है चलो कोई बात नहीं मदरसे में पढ़ लेते हैं, पढ़ाई होगी तो ठीक है, नहीं तो खेत पढ़ाए, खेत में जाकर खेती करेंगे, वो ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, बाप की बकरियां चराएंगे, और कुछ नहीं है तो टिफिन उठाएंगे जाके दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। हमें अपने बच्चों को एक सोच देने की जरूरत है, उनको एक फिक्र देने की जरूरत है कि आप जो आपका मन चाहे, जो सब्जेक्ट आपका दिल करे उसको आप पूरा करें, मेहनत के साथ उसमें पढ़ें। और तीसरी चीज यह है कि मदरसे के अंदर जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उस्ताद जो है वो बच्चों का जहन पढ़ लेता है कि ये बच्चा कौन सी चीज में बेहतर है, तो फिर क्या करें, उस्ताद उस बच्चे को सेलेक्ट करें और जिस बच्चे का जहन जिस चीज में जाने का है उस बच्चे को आप प्रमोट करें। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ पगड़ियां बना के आपने फारिग कर दिया, तू जान तेरा काम जाने ना, उस्ताद का ये हक बनता है कि उस बच्चे को कहे बेटे तेरा जहन किस चीज के अंदर है तो तू बेहतर है कि तू इसलिए रिश्ता कर ले, या तेरे लिए ये चीज बेहतर है कि तू फूल हदीस में चला जा, हदीस के ऊपर रिसर्च कर, या फिर तेरा जहन इस चीज के अंदर है, तेरा जहन बहुत तेज है, तू जो है 12वीं करने के बाद फिर यूपीएससी की तैयारी कर और जाकर दुनिया की तालीम हासिल कर। तो असातिज़ा का भी हक बनता है कि हम अपने बच्चों को इस तरीके की सोच दें, इस तरीके का जो है वो जहन में इस तरीके की फिक्र दें। और इतने आप हजरात में जो ज़कात का फितरे का ना जाने कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, नजर दौड़ा के देखें, हम लोग नजर दौड़ा के देखें पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास कोई एक कॉलेज है मुस्लिम कॉलेज नाम से, वो आजादी से पहले जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया जो बन गई है, उसके अलावा कोई ऐसा कॉलेज है हमारे पास जिसमें हमारी बच्चियां तालीम हासिल कर सकें या हमारे बच्चे तालीम हासिल कर सकें, कोई हमारे पास ऐसे इंग्लिश मीडियम हाई लेवल की स्कूल है जिसमें हम अपने बच्चों को तालीम हासिल करवा सकें। हमने अपनी शादी ब्याह के अंदर 50 लाख रुपए खर्च किए, हमने अपना नाम
अगर आज भी इन चीजों के ऊपर हमने नहीं सोचा, और पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड और चला हुआ है, मैंने कई एक बड़े बड़े मुकर्ररीन को देखा जो आयुमा की इमामों की तनख्वाह पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इमाम की तनख्वाह पे बोलते हैं कि जो है ना आप इमामों को तनख्वाह नहीं देते, ये बहुत गलत बात है। अगर इमाम आपके लिए पांच वक्त की नमाज पढ़ाता है, सारी खातिया दुरूद करता है, उसके बावजूद अगर आप इमाम को 7,000, 9,000, 10,000 रुपए दे रहे हैं और आप खुद सोचें कि आपके घर में 30,000 रुपए मंथली लग रहे हैं, तो उस इमाम का गुजारा कैसे होगा? ये चीज बहुत बेहतर चीज है, लेकिन साथ साथ में मैं आयुमा से भी गुजारिश करूंगा कि हम अपने असलाफ की और खास तौर से हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। हुजूर 12 साल की उम्र में अपने चचा अबी तालिब के साथ मुल्क शाम का सफर करते हैं तिजारत के लिए। तो ये चीज हमें औरों को ये चीज लाजमी है कि वो कम से कम कोई ऐसा हुनर सीखे जिसके जरिए से हम लोग जायज काम में माल लगा सके और उसमें तिजारत करें, कोई शर्म की बात नहीं है। और आवाम की हमारी ऐसी होगी कि अगर कोई इमाम काम करता है तो देखो इमाम साहब काम कर रहे हैं, क्यों आप तिजारत कर सकते? इमाम नहीं कर सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में अपने चचा हजरत अबी तालिब के साथ मुल्क शाम का सफर किया तिजारत की गर्ज से। फिर जब 25 साल की आपकी उम्र हुई तो सैयदा खदीजा अल-कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जो है सामान लेके आपने फिर जो है वो तिजारत के लिए सफर किया। फिर एक मरतबा और हबशा के लिए आपने जो है वो तिजारत की। फिर आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी उठा के देखें कि हमारे बड़े बड़े अकाबरीन हुजूर अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा, इनको देखें कितने बड़े ताजिर थे और किस तरीके से अपना माल तिजारत में लगाते थे। तो उलमा से आयमा आज से गुजारिश करूंगा इन चीजों के अंदर बिल्कुल जो है वो शर्म नहीं करें, बल्कि अपना एक जो है वो टारगेट बनाए कि नहीं जायज काम है, जायज काम में हम बिल्कुल तिजारत कर सकते हैं। कपड़े का कारोबार कर लिया, दूध का कारोबार कर लिया, कोई जो है वो परचून की सामान दुकान जो है वो खोल ली, कोई आटे की चक्की लगा ली, कसीदाकारी का काम, जो भी जायज काम है वो आप कर सकते हैं खाली वक्त में। पांच वक्त नमाज पढ़ाने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद आपके पास टाइम है, तो हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, आवाम को भी उलमा को भी, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी अपनी फिक्र चेंज करने की जरूरत है कि लाजम नहीं है कि हमने जाकर मिसल्ले पे खड़ा होगा। आप दीन का काम एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे और फाइनेंशियली जब आप मजबूत होंगे और अल्लाह जब आपको दौलत दे देगा और आप जब पढ़े लिखे होंगे तो आप उस चीज को बेहतर समझेंगे कि आप दीन के मामले में पैसे खर्च करने की बहुत जरूरत है, तो आप उस चीज में ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो ये इन चीजों को हमें जो है सोचने की जरूरत है। सैयदना इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें, कपड़े की कितनी बड़ी जो है तिजारत की आपकी। तो हमें इन सारी चीजों पे गौर फिक्र करने की जरूरत है। आज हमें आपसी तराफात भुला के आपसी लड़ाइयां, आपसी झगड़े, एक दूसरे का जो गिरेबान हम लोग नोच रहे हैं, एक दूसरे के मुंह पे जो हम लोग चपेड़े मार रहे हैं, उन सारी चीजों से हमें पीछे हटके आज हमें सोचना होगा कि उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे कैसे जमा हो सकती है। एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर हम अपने बच्चों की तालीम के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी बच्चियों की तालीम के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी जो गरीब बच्ची है उनकी शादी के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, हम अपनी कौम के लिए हॉस्पिटल्स कैसे खड़े कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीजें हमें जो है वो हिंदी में एक लफ्ज आता है मंथन करने की जरूरत है, गौर फिक्र करने की जरूरत है। और आज ये कहते हैं अभी आपको पता है अभी जो लोकसभा में जो बजट पेश हुआ 2023-24 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी अकलियतों का 55% बजट जो है वो खत्म कर दिया गया। अगर पहले आपको 500 करोड़ मिल रहा था तो आज 155 करोड़ पे लाके रख दिया, तो कुछ राय नहीं आपके हिस्से में थी। तो आज हमें फाइनेंशियली मजबूत होने की जरूरत है। अल्लाह ने अगर आपको माल और दौलत दी है तो सारे लोग इकट्ठे होकर मुस्लिम समाज के नाम से कोई हॉस्पिटल बनाए, जिस तरह से आपने ये समाज के नाम से बड़ा हॉल बना रखा है, बड़ी जगह जलसा होने में, शादी ब्याह होने में कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी तरीके से खास तौर से लेडीज के लिए स्पेशली कोई हॉस्पिटल जो है हम लोग बनाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनाए छोटे बच्चों के। अच्छा एक चीज़ और, हालात के साथ साथ अभी हो सकता है कुछ उलमा को मेरी बात से एतराज़ हो सकता है, लेकिन हमारे बच्चों के अंदर अगर कोई स्पोर्ट्स में काबिल है और उसके अंदर टैलेंट है तो मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपको अल्लाह ने दिया वो बच्चा टैलेंटेड है लेकिन गरीब है तो आप स्पोर्ट्स के अंदर उसको सपोर्ट करें, ताकि वो जब आगे आके नेशनल लेवल पे अपने देश का और अपनी कौम का नाम रोशन करेगा तो उसके माँ को भी फख्र जो है उस पर होगा। ये बातें अभी हो सकता है आपके लिए नहीं, लेकिन 4-7 बार जाने वाले बात आने के बाद ये बात आप मेरी लिख के रखें, सारे उलमा इस मसले पे आने वाले हैं और सारे इसके खुले तौर पे इजाजत देंगे कि नहीं हमें अपने
नेशनल लेवल तक उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको आगे लेके आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनमें पैसा भी बहुत है और जिसके अंदर जो एक बच्चा अगर फाइनेंशियली मजबूत होगा तो अपने कौम का मजबूत कंधा भी बनेगा और मुश्किल के वक्त में जो है वो उनको सपोर्ट करता हुआ भी नजर आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर जो हमें फिक्र करने की जरूरत है। और खास तौर से लास्ट में मैं आपको मैसेज ये देना चाहूंगा, वो मैसेज ये है कि आज उम्मत जो है वो पता नहीं कितने कितने फिरकों के अंदर बढ़ती चली गई है। ये वो हो गया है, ये वो हो गया है, ये वो हो गया है। मसला ये हो गया है, मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा, मुफ्तियान इकराम से भी गुजारिश करूंगा कि हम जब अपने जो है खिताबात के अंदर जिक्र करें तो सबसे ज्यादा कौम को जो दर्स दे वो अल्लाह की तौहीद और हुजूर की रिसालत का दे, हुजूर की मोहब्बत का दे। उस मसले पे सबसे ज्यादा जब कौम मजबूत होगी और जब जो है मुस्लिम उस ताल्लुक से सबसे ज्यादा जानेंगे तो फिर ईमान उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। आज हमारे अंदर कमजोरी ये हो गई है कि हमने जो है तौहीद बारी ताला को साइड में कर दिया है, फिर हुजूर की मोहब्बत भी है। जो मैंने बहुत सारे ऐसे कुर्स देखे हैं जिनके अंदर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र नहीं होता है, जो पीर साहब ऐसे उनकी करामतें बयान की जाती हैं और हमारी आवाम जो है वो इतना ज्यादा गूंगी हो चुकी है, वो जाती है और जाकर वो पीर साहब का मजार गूंगी पड़ी हुई है। ये हाल है मेरी कौम का। और मुझे माजरत के साथ माफ करें, हमारा मामला ये हो गया कि हम इसमें सुन्नी और देवबंदी में जो फर्क कर रहे हैं ना, वो फर्क उसके अकाइद की बिना पे नहीं कर रहे, अवाम की मुश्किल बनी हुई है। और खास तौर से आजकल फेसबुक पे मैं काट करता हूँ, नाबालिग मुश्किल बने हुए, जिसको देखो उठा के फतवा दे देते हैं, जिसको चाह मन किया उसको उठा के दीन से खारिज कर दिया, ये दीन से बाहर हो गया, जैसे लग रहा है सारा दीन इसके बाप की ठेकेदारी है। किसने हक दिया हमें किसी को उठा के दीन से फौरन खारिज कर दे? हम लोगों ने जो फर्क कर रखा है किसी के देवबंदी होने में किसी के सुन्नी होने में, दो चार चीजें हैं। हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा ये मजार पे जाता है कि नहीं जाता है, अगर नहीं जा रहा है तो हमने फौरन निकाल दिया ये देवबंदी हो गया, अगर कोई फातिहा नहीं कर रहा है तो हमने फौरन उसको ठप्पा लगा दिया ये वहाबी हो गया। ये कौन सी जो है वो अकाइद की बातें हो गई कि आपने फातिहा ना लगाने की वजह से मजार पे ना जाने की वजह से आपने किसी को सुन्नी से ही खारिज कर दिया? यही थोड़ी देर पहले मैंने जो चीज अर्ज की थी वो ये है कि हम अल्लाह की तौहीद और हुजूर की मोहब्बत हुजूर की रिसालत से हट गए। हमने क्या किया है, अपने अपने एतबार से कुछ एक शख्सियात को खास कर लिया है और उनके साथ इस कदर जो हम लोग बंध के रह गए कि अगर उनको कोई मान रहा है तो सुन्नी है, नहीं मान रहा है तो फिर रुक गया, फिर हमने उसको दिन से निकाल दिया, बोला ये दिन से निकल गया। और आज हमारा ये हो गया, अभी देखो हमारे जलसों में नहीं मिल रही, अभी आपको उर्स करवा के देख लो कोई मेला लगवा लो तो हमारी कौम फिर सारी वहां पे जो है वो 10-15 हजार में रहती है और सारे हाथों के अंदर किसी ने गोली रखी है, किसी ने कड़े पैर रखे हैं, किसी ने यहाँ पे पट्टी बांध रखी है और जाके सीधे वहां मजार के ऊपर गिर जाते हैं, सीधे मजार के ऊपर जाके गिर गए वहां पे, कोई मतलब नहीं है। या बाबा तू ही है, जो कुछ भी करने वाला है तू ही कर सकता, ये खुला खुल्लम खुल्ला अल्लाह की जात के साथ शिर्क है। पैदा करने वाली, रिस्क देने वाली, जिंदगी और मौत देने वाली एक ही जात है, वो अल्लाह की जात है। बस किसी भी मजार पे जाएं, मेरी बातें कान खोल के सुने, हो सकता है नहीं लगे आपको, किसी भी मजार के ऊपर जाएं तो वहां जाके टूटे ना गिर जाए, इमाम अहमद रज़ा खान फ़ज़ले बरेलवी का फतवा है आला हज़रत का, बल्कि मजार से चार हाथ दूर खड़े हों, हाथ बांध के सुबह फातिहा सुबह इकरा जो भी आपको आती है पढ़े, सबसे पहले अल्लाह के हुजूर इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, फिर सहाबा का अहले बैत का वसीला दे, फिर जो बुजुर्ग हैं जो अल्लाह के नेक बंदे उनका वसीला दे के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मालिक तेरा नेक बंदा है मैं तो गुनाहगार हूं, इन्होंने अपनी जिंदगी तेरी इबादत में गुजारी, मुत्तकी रहे परहेजगार रहे, इनका वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूं, मेरी फला फला मुसीबत है तो इनके सदके से दूर कर। मेरी बात सुने आप, ये ना कहे कि बाबा जी अब आपके मजार के आगे अब सारा कुछ आप ही हैं, आप ही सारा कुछ कर दें, वो कहां से कर देंगे। और यही चीजें हमें सिखाई गई है, कभी भी इन चीजों पे इस्लाह नहीं की गई हमारे, जिसकी वजह से कौम दिन ब दिन गुमराही के अंदर जो है डूबती जा रही है। हजा गरीब नवाज के दरबार में चले गए, या गरीब नवाज आपके दरबार में आ गए, आप मुझे बेटा दे दें, अल्लाह की बारगाह में मांगे, हुजूर गरीब नवाज का वसीला पेश करें, अकाइद वाले मामलात जो है उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें।
तो सबसे पहले जरूरत है हमें इस चीज को समझें कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। इस चीज को अपने जहन के अंदर, दिल के अंदर सिखाएं। औलाद देने वाला, रिश्त देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला, ये जो सांसें अदा कर रखी है, सब कुछ देने वाली जात कौन की है? और अल्लाह जो भी चीजें देता है वो फिर अपने हबीब के सदके से देता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब तुम इन बंदों से फरमा दो, ये जो कह रहे ना हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इनसे तुम फरमा दो कि अगर तुम चाहते हो कि तुम जो ये चाहते हो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फत्तबिउनी। अभी तो तुम दावे कर रहे हो ना मालिक हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं, का महबूब इनको फरमाओ फत्तबिउनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो मेरी इत्तेबा करो, हुजूर की इत्तेबा करनी पड़ेगी, किसी पीर की, किसी फकीर की ये इत्तेबा नहीं है। सबसे पहले आए हुजूर की जात की तरफ आए, सही मानों में हुजूर के साथ जुड़े। हम लोगों के साथ ये बदनसीबी हो गई है कि हमने हुजूर की जात को जो है वो छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल गई। तो किसी शायर ने कहा था, आज उम्मत जो बर्बाद हो रही है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, हमने हुजूर के कदमों को छोड़ दिया है। छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल गई, खो दी अपनी कदरों कीमत आका हमसे भूल गई, देख हमारी आंख मचोली अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दरसे अखुवत आका हमसे भूल हुई। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआ करें कि आज के इस अजीम शान जलसे में, जिसमें जो है इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चों के सरों पर जो है वो ताज ज़रीन रखा गया है, इस नेक मजलिस में या रसूल अल्लाह हम आए हुए हैं और आपकी बारगाह में जो हम दुआ कर रहे हैं, आपका वसीला दे के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि जो उम्मत के हालात बिगड़े हुए हैं अल्लाह हुजूर के सदके से सारों के हालात बेहतर कर दे, सारों के हालात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला बेहतर कर दे। चीज़ें बहुत सारी हैं अर्ज करने के लिए, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो मैंने आप हज़रात के सामने रखी वो लाजमी हम उन चीज़ों पर गौर करें। हम जो है मदारिस का हाल देखें कैसा हो रहा है, उन्हें तालीम के मामला मजबूत करें, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, अपने जो है घरेलू मामला, ये सारी चीज़ें बेहतर करें और अकायद का मामला दुरुस्त करें। सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना जो ताल्लुक है वो मजबूत करें, उसके बाद जो है यके बाद निगरे बुजुर्गान दीन की तरफ आए। अल्लाह और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब करे। जी चाहता है इस रात को महशर दी फजर तक रोक लवा, जे बस चले मेरा सोहने दिन हशर तक रोक लवा, न नजरे करम दी छात रुके, न ए बात रुके, न ए रात रुके, मगर दिल के अरमान पूरे हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई, उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई। Gracias.